मामला है। क्या कुछ मामले में आपको लाया गया है यहाँ पे? क्या कुछ मामला था? न्यायालय है सब चीज के लिए। क्या कुछ मामला है? मामला क्या कुछ है? इन दिनों देश भर में लव जिहाद के कई मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में भी मॉडलिंग क्लास के दौरान लव जिहाद की घटना सामने आई, जहां आरोपी ने युवती से क्लास के दौरान प्रेम प्रसंग बढ़ाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके बाद से फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई। अब लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद तनवीर को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर के सिकटी से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भागलपुर की युवती से रांची में मॉडलिंग के नाम पर रेप और लव जिहाद के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद तनवीर उर्फ मोहम्मद लैक खान को बुधवार को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी नेपाल और बिहार की सीमा पर अररिया जिले से हुई। इस घटना को लेकर अररिया SDPO राम पुकार सिंह ने कहा कि लव जिहाद के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद तनवीर उर्फ मोहम्मद लैक खान को रांची पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया, जिसके बाद रांची पुलिस अररिया कोर्ट में आरोपी को पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले जाएगी। रांची में अभी हाल के दिनों में जो लव जिहाद से संबंधित मामला चल रहा था, उस संबंध में डोरंडा थाना कांड संख्या 57-23 अंकित किया गया है। उसी के अभियुक्त हैं जो तनवीर खान, जो डोरंडा के ही रहने वाले हैं, उनको रांची पुलिस के सहयोग से रांची पुलिस के कांड में वो वांछित थे, उसी को की गिरफ्तारी हुई है। उनको ट्रांजिट रिमांड पर उनके जो रांची पुलिस से लिया जा रहा है और उसके बाद उनको आगे के अनुसंधान हेतु रांची पुलिस को सौंपा जा रहा है। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? सीमावर्ती क्षेत्र से हुआ है, सिकटी के क्षेत्र से, नेपाल के बॉर्डर पर से हुआ है। पुलिस को मिले इनपुट के अनुसार आरोपी युवक रांची से फरार होकर कई दिनों से बिहार की सीमा से लगे पड़ोसी देश नेपाल में रह रहा था। बॉर्डर की सीमा यानी अररिया जिले में आने पर रांची और बिहार पुलिस ने संयुक्त प्रयास से उसे अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार युवक की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि वो डोरंडा थाना क्षेत्र के यूनुस चौक के पास का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी युवक को रांची लाएगी। इसको लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। अररिया के SDPO राम पुकार सिंह ने बताया कि जांच के दौरान रांची पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि आरोपित अपने एक रिश्तेदार के साथ बिहार के रास्ते नेपाल भाग गया। इसके बाद पिछले 5 दिनों से रांची पुलिस की एक स्पेशल टीम नेपाल और बिहार की सीमा पर डेरा डाले हुई थी और आरोपी की धरपकड़ में लगी हुई थी। आखिरकार बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया गया।